اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى ثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه، ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، اللهم انفعني بما علمتني. मोहतरमुआज नाजरीन हजरत साम आज जिस मौजू पर कुछ बातें अल्लाह के फ़लम से मुझे आपके साथ शेयर करनी है बयान करनी है तस्कर की नीयत से असलाह नफ्स की नीयत से दावत की नीयत से वह मौजू है जिना उसके असबाब और उसका इलाज मुआज़ दोस्तों बुजुर्गों इसी की मुनासबत से मैंने सुरालफुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी है तर्जमा आयत करीमा का यह है व लदीन आखर रहमान के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरे मबूद को नहीं पुकारते व लदीन आखर व रहमान के बंदे वो होते हैं जो किसी जान को कत्ल नहीं करते मगर हक के साथ वो लुनून और वह जिना नहीं करते हैं रहमान के बंदे जिना नहीं करते हैं और मैं ये मै फायल का यलका आसामा और जो भी इंसान ये गुनाह करेगा उसे पूरी सजा मिलेगी यलका आसामा युदाफ लहुल आजाब योम क्या और रोज कियामत उसे दुगनी तिगनी करके उसे आदाब दिया जाएगा बड़ा चढ़ा करके उसे आदाब दिया जाएगा युज़ाफ़ लहू अलअज़ाब यौम अलक़ियामा व यखलद फ़ीही मुहाना और वो उस आदाब में हमेशा रहेगा इल्ला मन ताबा आमन सिवाय उस इंसान के जिसने तोबा कर ली और वो ईमान लेकर के आया वह आमीला अमलन सालिहा और उसने अपने आप की اصلاح कर ली अमल ए किया फ़ औलाएकि हसनात यही वो लोग हैं अल्लाह अल्लाहजल उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है और बड़ा बख्शने वाला है दोस्तों बुजुर्गों ईस आयत करीमा में अल्लाहल ने रहमान के बंदों की एक अहम सिफत तीन बातें अल्लाह ने इसमें पेश की हैं और उन तीन बातों में से एक अहम बात अल्लाह अल्लाहल ने यह बयान की है रहमान के बंदे वो होते हैं जो कभी जिना नहीं करते हैं मज्ज दोस्तों बुजुर्गों कामयाब मोमिन की आलामत बताते हुए अल्लाहल ने सुरे के आगाज़ में अल्लाह पाक ने आयत इस्तेमाल फरमाई عن फी معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ये सिलसिला है कि कामयाब मोमिन वो है अल्लाह तबारक वाली ने कुछ सिफतें कुछ आदतें कुछ अखलाक अल्लाह ने उनके बारे में बयान फरमाई और उसमें से एक खास चीज़ अल्लाह पाक ने यह बयान फरमाई व लदीन फरूज हम कामयाब मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं अल्लाह के जामिन हूँ मैं गारंटी लेता हूँ अरबी जबान में जो लफ्ज है जयीम का मैं गारंटी लेता हूँ सुबह जो इंसान अपने दो दोनों जबड़ों के बीच की चीज की जमानत देगा मुझे उसकी हिफाजत की जमानत देगा और अपने दो रानों के बीच की चीज में अपने दो पैरों के बीच की चीज की जमानत देगा अजमन लहुल लहुलना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल जो फरमाते हैं सल वसलम मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ जन्नत की गारंटी जो अपने पाक ये जो इतना कर लेता है जबान की हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की गारंटी दी है इतना ही नहीं मेरे भाइयों, कुरानी मजीद में फहश का लफ्ज बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है उसमें से एक मशहूर आयत करीमा जिसके बारे में इब्ने मसूद कहते हैं रजीआन अजमर कुरान मजीद की यह सबसे जामे आयत करीमा है इब्ने कती ने इसको पेश किया है। मसूद के कौल के साथ और हर खतीब तक को जुमा में पढ़ते हैं तीन बातों को अल्लाह ने इसमें हुक्म दिया तीन बातों से अल्लाह तबारक ने इस आयत में मना किया है अल्लाह ने आदल इंसाफ का अल्लाह ने हुक्म दिया है सुबहान अल्लाह इंसाफ का अल्लाह ने हुक्म दिया उसके बाद अल्लाह ने एहसान का हुक्म दिया है एहसान के दो माने अहले इल्म ने बयान किए हैं एक अच्छे अखलाक नरम गुफ्तु नरमी और दूसरी चीज एहसान ये बताया गया है सुबह अल्लाह ऐसे अल्लाह की इबादत करें गोया के अल्लाह तबारक को तला को हम देख रहे हैं यह भी माना इसका बयान किया गया है मौजू ये नहीं है तीसरी चीज जिसका हुक्म दिया गया है इता ईदिल रिश्तेदारों में दे बांटे करीबी रिश्तेदारों को दें सुबह कुरबा तीन चीज़ों से मना किया अल्लाह तबारक ने यहा अनिल फाशा पहले नंबर पर अल्लाह ने जो मना किया है बेहयाई के कामों से फोहश कामों से अल्लाह ने मना किया है यह पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर मुनकर से अल्लाह ने मना किया है शरीय ने जिसका इनकार किया है वो मुनकर है अल्लाह ने उससे मना किया है वो और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने जुल्म से मना किया है ये छह चीजों में से एक चीज है जो हमारे मौजू से ताल्लुक रखने वाली बात है वो पहली चीज है जो मना की गई है अल्लाह ने बेहयाई से मना किया है अल्लाह अल्लाहल ने बेहयाई से मना किया है कुरान मजीद की एक दूसरी आयत करीमा है जो सूरह आराफ के अंदर मौजूद है आयत इस तरीके से है कुल इन हरबीश मा वह रमिन कह दो मोहम्मद सल्लाम मेरे रब ने हराम किया है हर ربي रबीम हर रमा ربي الفواحش सबसे पहली चीज जो बयान की गई है अल्लाह ने फहश बेहयाई की चीजों को अल्लाह पाक ने हराम किया है जो जाहिरी बेहयाई है और जो बातिनी बे है दोनों को अल्लाह सुबहान हराम किया है मोज दोस्तों बुजुर्गों कराम का लफ्ज तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूँ अक्सर जिनसिया वह खासना मजीद में जहां भी फोहश का लफ्ज आया है फाहिश फोहश का लफ्ज आया है बेहयाई का लफ्ज आया है अक्सर इसका इतना ताल्लुक पर होता है।, जो जिन्समानी जो तालुकात होते है उस पर होता है वह खास और खास तौर पर कहते हैं जो फोहश का लफ्ज जहां आया है फाहिशा का लफ जहां आया है उस जिना पर उसका इतलाक होता है हजरात ने इसको बयान किया है जिना किस कदर अहम है दोस्तों हमारे पास इसकी बात कुरानी मजीद में शुरना के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की माओं से उम्मत की औरतों से सहाबियात से बैत ली है और उस बैत को कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है सुबह अल्लाह हदीस में नहीं कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है अल्फाज इस तरीके से हैं युबा का

उनकी बैतों का बैत का तरीका मर्द औरत का अलग है वो अलग अहकाम हैं मुझे उस पर जाना नहीं है मुझे ये बयान करना है ये चीज़ें होती थी जिस पर अल्लाह के नबी वसल्लम औरतों से बेत लेते थे अल्लाक नब्ला पहला लफ्ज है अल्लाह के साथ किसी को शर्क ने ठहराएंगी वाला शरिक न और कभी चोरी नहीं करेंगी औरतों बेत लेते थे नबी करीमलम वाला ये जनीन और जिंदगी में कभी जिना नहीं करेंगी अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बैत लिया है इतना ही नहीं जिना के बारे में हमारा दिन यह भी कहता है आदमी जब जिना करता है उसका ईमान उससे हट जाता है सब अब रफल ईमान अरबी जबान में इसको कहते हैं सब अब रफल ईमान ईमान के हटने का सबब है ये अल्लाह के नबी सल्लम का जो लफ्ज है लाजनी वह मोमिन लाजनी वह मोमिन आदमी जब जिना करता है सुबहान अल्लाह उसका ईमान उसके अंदर नहीं रहता हदीस में यह भी लफ्ज कहा गया है अल्लाह उसका ईमान उससे निकल कर एक साये की तरह खड़ा रहता है एक साय की तरह खड़ा रहता है और जब वापस वह तोबा करता है तो फिर उसका ईमान उसके अंदर आ जाता है ये हमारे अंदर जिना को ईमान के खत्म होने का ईमान के चला जाने का सबब जिना को दीन इस्लाम के अंदर बताया गया है लाएजा और इतना ही नहीं के बारे में कहते हैं अल्लाह सुबहाना ने सबसे पहले जो आयत मैंने पढ़ी है पहले सबसे जिससे आगाज मैंने इस दर्स का किया है उसकी शराही में इस हदीस को अलहमदुल्लह बयान किया गया है एक सहाबी ने

करीम सर इसके बाद का गुना यह है कि तुम अपने बच्चे को कतल कर दो इस बात के डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगा सुबह मैं थोड़ा सा लफ्ज हालांकि मौजू मेरा जीना है थोड़ा सा मैं कह दू हमारे दो बच्चे हैं बस उनको अच्छा पढ़ाएंगे अच्छा खिलाएंगे और अच्छे से पालेंगे बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे सुबह अल्लाह अल्लाह के नबी कहते हैं ये दूसरे नंबर पर है सुबह अल्लाह ये मौजू नहीं है हमारा तीसरे नंबर पर साहबी ने सवाल किया उसके बाद का कौन सा है नबी करीम सलम के अल्फाज हैं

पड़ोस के साथ पड़ोस की औरत के साथ इम्कान ज्यादा हैं इम्कान ज्यादा हैं इसीलिए नबी करीमल है इम्कान ज्यादा हैं है। उसके लिए बहुत ज्यादा कवि इम्कान हैं इसके लिए नबी करीम ने नाम लेकर कहा पड़ोस की बीवी के साथ आदमी जो जिना करेगा वह दूसरे जिना के मुकाबले में उसका गुना बहुत ज्यादा है और इसलिए इम्कान इन्हीं इम्काना पर एक बात में कहकर बात आगे लेकर जाना इन शाह मुनासिब समझता हूँ इम्कान में एक सहाबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अल्लाह के रसूल, बिन आमिर रजील्ला की हदीस है रसुल्लाम ने फरमाया तुम गैर महरम औरतों के पास जाने से परहेज करो गैर महरम औरतों के पास जाने से परहेज करो सुबहानल्ला जिनसे हमारा निका हो सकता है जिनसे हमारा निकाह हो सकता है वह गैर महरम है जिनसे हमारा निकाह हो सकता है वह गैर महरम है अल्लाह के नबी फरमाते है, सही बुखारी ये सही बुखारी में है। निकाह के अंदर नबी का लफ्ज है गैर महरम औरतों के पास जाने से परहेज करो एक अंसारी बहन एक अंसारी औरत खड़ी हो गई रजी अल्लाह अः अल्लाह के रसूल सल्लाह आप हमू के बारे में क्या कहते हैं लफ्ज उस औरत का ये था आप अल्हमु के बारे में क्या कहते हैं के बारे में आप क्या कहते हैं अल्हमद अक्सर लोग जानते हैं इसका तर्जमा क्या है फिर भी मैं तुम्हारे सामने कह दूं अरबी जबान में अलहम जो लफ्ज है वो कहते हैं देवर को अलहमु का जो लफ्ज है वो कहते हैं देवर को एक सहाबिया ने सवाल किया अल्लाह के नबी से अल्लाह के रसूल देवर के बारे में आप क्या, क्या कहते हैं अल्लाह के नबीसलम का जो जवाब है आप सल्लाम ने अरबी में यह लफ्ज कहा अलहमुत अलहमु देवर तो मौत है अल्लाह इसलिए कि इम्कान बहुत ज्यादा हैं पड़ोस के बारे में जैसे अल्लाह के नबी ने कहा नाम लेकर वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर के ताल्लुक से कहा जिना के इम्कान यहां ज्यादा हैं इसलिए इससे जरा ज्यादा ही पर्दा करें सुबहान अल्लाह क्या माहौल है हमारा क्या माहौल है हमारा मेरे मुआज दोस्तों एक हदीस सुन लीजिएगा उसके बाद असबाब पर आते हैं उसके बाद इन इलाज पर आते हैं एक हदीस है अल्हदिल्ला ये हदीस भी सही बुखारी के अंदर है इमाम बुखारी रही ने अपनी सही में इस हदीस को बयान किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दो फरिश्ते मेरे पास आए मशहूर हदीस है अक्सर लोग इस हदीस को जानते हैं मगर इस मौके पर इस हदीस का तस्करा बहुत ज़रूरी है इस हदीस को बयान करना बहुत ज़रूरी है अल्लाह आज वजल इस हदीस के अंदर जो वईद जो आज़ाब अल्लाह ने बयान किए हैं अल्लाह उस तईद से मुस्लिम उम्मत को बचाए अल्लाह उस आदाब से मुस्लिम उम्मत को बचाए अल्लाह एक हदीस सुन लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस है अल्फाज हदीस इस तरीके से हैं जो ज़िना के बारे में है और जिना की सज़ा के बारे में है अल्लाह से दुआ है अल्लाह आज वजल इसके अंदर जो सजा बयान की गई है अल्लाह उम्मत को उस सज़ा से अल्लाह महफूज रखे अल्लाह हमें उस सज़ा से अल्लाह तबार को तला बचाए नबी करीम सल्लाम फ़रमाते हैं फ़न तलक ना फातः नितर दो फरिश्ते मेरे पास आए

करीम फरमाते हैं हमें यह बताया गया फैजा के अंदर मर्द भी हैं औरतें भी हैं दोनों के दोनों नंगी हैं फैजा जब नीचे से उस तन्नूर के नीचे से सुबह अल्लाह शोले आते हैं फैजा और जब वो शोले आते हैं हदीस का लफ्ज है उनकी चीखें बाहर निकलती है। वो हैं वो चिल्लाते हैं वो चीखते हैं

तन्नूर में उन्हें गोश्त के टुकड़ों की तरह भुना जा रहा था अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे नाजुक चीज है सबसे नाजुक चीज है, है। आदमी को अगर बगैर किसी एहसास के हाथ भी लग जाए कभी कभी आदमी तड़प जाता है इन्ना, इन्ना इसकी जो सजा हमें दी जाती है अल्लाह माफ फरमाए उसी शर्मगा को उसी शर्मगाह को अल्लाह सुबहानो तला उल्टा लटका कर आग के अंदर अल्लाह तबारक वाले उन्हें सजा देगा और यह सजा भी कितनी लंबी चलेगी हमें पता नहीं है खालिदन फीहा का लफ्ज है कुरान के अंदर खालिदन फीहा का लफ्ज है और खालिदन फी जो फी ही जो कहते हैं उसमें हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा एक साल रहेगा सौ साल रहेगा हजार साल रहेगा या कितनी मुद्दत होगी कि वो किसी को नहीं मालूम है इसीलिए मैंने अल्लाह की पना चाही उस सजा से बचने के लिए साहब इकराम नबी के पास आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उतनी लंबी सजा उतनी खतरनाक सजा उससे बचने के लिए नबी के पास आते औरतें भी आती जिनसे जिना सरजद हो गया मर्द भी आते जिनसे जिना सरजद हो गया है कहते ये दुनिया की जो सजा है एक घंटे की दो घंटे की पांच मिनट की एक दिन की है ये बेहतर है उस सजा से जो हजारों साल चलने वाली है कितनी बार अल्लाह के नबी ने मना किया पेट में बच्चा है जाओ जन्म देने के बाद आओ उसके बाद उसके हाथ में रोटी लेकर आओ कितनी हदीसें हमारे पास हैं और कितनी बार अल्लाह के नबी ने चेहरा फेरा इसके बावजूद भी सहाबा जिनसे यह गुना हो गया है वो सजा दुनिया में पाना चाहते थे बुजुर्गों जिना के बारे में बेशुमार बातें हैं मैंने कुछ मुख्तसर कुरान की आयतें कुछ अहादीस मैंने आपके सामने जिक्र की हैं आखिरी एक बात जिना के बारे में बोलकर असबाब और अलाज पर दो बातों के साथ इस मुख्तर दर्ज को हम इंशाला खत्म करेंगे जिना जहां रफे ईमान का सबब है यानी ईमान के खत्म होने का सबब है वहीं पर कुरान और हदीस के अंदर जिना को एक बहुत बड़ा सबब बताया गया है बड़ी बड़ी बीमारियों का बड़ी बड़ी बीमारियों का और अल्लाह के आजाब को अपने ऊपर लाने का जिना को सबब बताया गया है हदीस में इस तरीके से हदीस है जो इमाम इमाम अहमद इबन हम्बल रही ने इस हदीस को बयान किया और इबन अबान रहमोल्ला ने इस हदीस को सही करार दिया है मा ज़हरा कौम किसी भी कौम के अंदर अगर दो चीजें आ जाती हैं

अपने ऊपर उन्होंने अल्लाह के आजाब को दावत दी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और दूसरी एक हदीस का जो टुकड़ा है कि बीमारियों के आने का सबब सबसे बड़ा सबब दुनिया में जिना है ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके नाम वैक्सीन बन पा रही है जिसके नाम को बोलने के लिए हमें कई दिन लग जाते हैं ऐसी और भी आएंगी क्यामत की सुबह तक और भी आएंगी और मशहूर जो हदीस है जो इबन माजा के अंदर मौजूद है सही हदीस है इबन उमर जिसके रावी हैं अल्लाह के नबी ने जो फरमाया लम लम तजहर किसी भी कौम के अंदर जब जिरा जैसी बीमारियां आम हो जाएंगी अल्लाह सुबहान तला उस कौम को ताउन और प्लेग की बीमारी में मुबतला करेगा और दूसरा जो लफ्ज है सुबह अल्लाह जो नबी करीम अलैहि वसल्लम का लफ्ज है ऐसी ऐसी बीमारियां ये लफ्ज है हदीस में ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह देगा जिसका जिक्र भी इनके बाप दादाओं ने नहीं सुना होगा सुबह दोस्तों और बुजुर्गों कुछ कबाहतें, की कुछ हैं तुम्हारे सामने जिना के असबाब के लिए और वही सबसे अहम आयत है जिना मत करो ये नहीं है जिना के करीब ले जाने वाली कोई चीज मत करो सुबह जिना एक ऐसा गुना है करीब जाओगे तो कर लोगे अल्लाह अकबर असबाब इख्तियार करोगे तो कर लोगे इसीलिए कुरान ने ये कहा करीब नहीं जाना जिना के करीब नहीं जाना उसके लिए कुछ हदबंदियां अल्लाह सुबहान तला ने कुरान में और हदीस में रखी है शरीय इस्लामिया में रखी है ऐसा करोगे तो ऐसा कर दोगे इसलिए नहीं करना हो उसके करीब नहीं जाना और अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह माफ फरमाए आज का जो माहौल है जिस माहौल में मैं सांस ले रहा हूं आप सांस ले रहे हैं जिना के करीब ले जाने का इतना गंदा माहौल आज तक दुनिया ने नहीं देखा होगा आज तक दुनिया ने नहीं देखा होगा ऐसे गंदे माहौल के अंदर जहां चारों तरफ जिना करवाने के असबाब मुहैया हैं, टीवी की शक्ल में फिल्मों की शक्ल में लिटरेचर की शक्ल में इंटरनेट की शकल में और बहुत सारे चीजें बेपर्दगी की शकल में सुबहान अल्लाह ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान को जिना के करीब लेकर जाती हैं और उसके साथ आदमी अगर ये कहे कि आदमी जो है इन इस माहौल में रहते हुए ऐसे गंदे माहौल में रहते हुए ऐसी बेपरदगी के माहौल में रहते हुए नंगी नंगी चीजों के साथ रहते हुए आदमी जिना से बचे तो हमारी शरीयत कहती है यह नामुमकिन है मुमकिन है असबाब को दूर करें खुद बद इलाज हो जाएगा खुद बखुद इलाज हो जाएगा जो असबाब है साथी ने एक मिसाल दी थी वो मिसाल में बोलूंगा उसके बाद में आगे बढ़ूंगा और एक और चीज इसमें मिला लीजिए मिला लीजिए मिसाल के साथ साथ इसको मिला लीजिए पहले इसको मिला लीजिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान बल्कि अगर मैं कहूं इस वक्त आलम है पूरे पूरी दुनिया के अंदर कुछ एक आध मुल्क को छोड़ करके जिन मसाइल से दो चार हो रहे हैं जो परेशानियां और जो चैलेंजेस खास तौर से हमारे मुल्क को हैं उसमें से एक बड़ा चैलेंज है औरत की इज्जत की हिफाजत औरत की नामों की हिफाजत लोकसभा में राज्यसभा में जितने चाहे कानून बना लीजिए क्या रेप रुक रहा है औरतों की इज्जत की हिफाजत हो रही है आज गैर मुस्लिम खुद कहते हैं गैर कट्टर हिंदू खुद कहते हैं अगर इसे रोकना है तो फिर सजा वैसी दो जैसे इस्लाम चाहता है इंटरव्यू लेकर देख लो गो छह साल की बच्ची को भी दरिंदे नहीं छोड़ते हैं हैवान नहीं छोड़ते हैं आठ साल बच्ची को पांच पांच लोग जमाने तक मंदिरों के अंदर रखकर इन्ना लीला वह इन्ना राज मंदिरों में लगकर अबूज बिल्ला उस बच्ची के साथ जिना करते हैं और फिर मार के उसके चेहरे को मस्क कर देते हैं एक जिना का वाकया गुजरता नहीं फौरन दूसरा वाकया आ जाता है दूसरा गुजरता नहीं फौरन तीसरा आ जाता है इस वक्त जब हम दर्स में शामिल हैं नाजरीन इस वक्त भी एक दलित लड़की के साथ जिना किया गया है हतरास नामी यूपी की जगह में जिना किया गया है ताजुब की बात है वो केस अभी खत्म ही नहीं हुआ फिर एक छह साल लड़की के साथ वहीं रेप कर दिया गया ऐसा क्यों होता है इसे रोकना सब चाहते हैं रुक जाए सब चाहते हैं रुक जाए लेकिन रुकेगा नहीं ये ये रुकेगा नहीं ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक के असबाब को नहीं रोका जाएगा जिना के जो असबाब है उन्हें जब तक नहीं रोका जाएगा उस वक्त तक जिना रुकना मुश्किल है नामुमकिन है मेरे भाइयों बुजुर्गों असबाब में इलाज में चलते हैं अभी बात को खत्म करते हैं इलाज में सबसे पहला इलाज एक मुसलमान के लिए मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा सुबह अल्लाह उससे बेहतर इलाज दुनिया में नहीं है नबी करीम वसल्लम कहते हैं फतखुदुनिया दुनिया व तकनिस सारी दुनिया के फितने एक तरफ और पूरी दुनिया में औरत का फितना एक तरफ अल्लाह अकबर अगर आपको बचना है नबी करीम वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं उन बातों पर अमल करेंगे तो ही हम बच सकते हैं उन सजाओं को लागू करेंगे तो ही हम ये इलाज है वह सजाएं लेकर आएंगे तो ही हम बच सकते हैं सुभान अगर उन सजाओं को नहीं लाएंगे तो फिर यहां बहु बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा बहनों की इज़्ज़त क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह के मुझे परमिशन दीजिए जीना करने की अल्लाह अकबर मुझे परमिशन दीजिए अल्लाह के नबी बड़े इतमान से उसको जवाब देते हैं साहब जो अतराफ में बैठे हुए हैं हदीस में आता है किसी ने जूता उठा लिया किसी ने जो हाथ में आया उठा लिया किससे क्या पूछ रहा है अल्लाह के नबी नबीसलम से ये पूछ रहा है जिना की परमिशन पूछ रहा है और वो साहबी वो, वो थे वो उन्होंने पूछा नबी करीम सुर्ण सुर्ण ने उनको सामने बुलाया इतनी करीब बिठाया कि उनके सीने पे हाथ रखा जा सके इतना सामने बिठा लिया उनको नबी करीम ने जो उनको समझाया वही चीज सबसे पहली है अल्लाह के नबी ने उन्हें समझाया वो नौजवान था उस नौजवान को नबी ने ये समझाया जिससे तू जिना कर रहा है या करना चाहता है या तेरा इरादा है जी वो किसी की माँ होगी क्या तू चाहता है कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे पहला उसने कहा नहीं तो फिर जो जिससे तू कर रहा है वो भी किसी की माँ है पहला वो किसी की बेटी है दूसरा वो किसी की खाला है तीसरा वो किसी की फूफी है चौथा नाम ले लेकर अल्लाह के नबी वसल्लम ने नाम ले लेकर समझाया फिर उसके बाद आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ रखा और ये दुआ पढ़ी अल्लाह तहिर कल बहु अल्लाह इसके सीने को तो साफ कर दे अल्लाह इसके सीने को तो पाक कर दे इस हदीस से जो निकल कर आने वाली बात है वो ये समझे सामने जिस औरत पर निगाह पड़े हम ये समझें ये किसी की माँ है अल्लाह अकबर ये किसी की बेटी है जैसे मेरी बेटी है ये किसी की बहन है जैसे मेरी बहन है सुबहान अल्लाह जो तस्वर है दिमाग का जो तस्वुर है उसे साफ किया गया है नीयतों को साफ किया गया है सोचने के अंदाज को बदला गया है सोचने का अंदाज मेरी भी आठ साल की बच्ची है मेरी भी बारह साल की बच्ची है मेरी भी पंद्रह साल की बच्ची है सोचने के अंदाज को बदला गया पहले दूसरे नंबर पर नबी करीम वसल्लम फरमाते हैं पहली निगाह पड़ गई ये फितरत है आदमी आंग बंद करके चल नहीं सकता रास्ते पर यह गैर फितरी चीज हो जाएगी पहली निगाह पड़ी दूसरा अगर उसके बाद निगाह नहीं डालना निगाह नीची रखना बहुत बड़ा हथियार है ये से बचने का वो कोई भी आ जाए वो दुनिया की कितनी भी हसीन और जमील औरत आ जाए अगर आदमी देखेगा नहीं तो फिर मसला पैदा ही नहीं होगा कुरानी मजीद सुर नूर की आयत करीमा है कह दो मोमिन मर्दों से अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दो मोमिन मर्दों से कुल्दू यू का नीचे नीचे रखे निगाहें है नीचे रखे आंखों की हिफाजत करें सुबहान अल्लाह मेरे भाइयों आंखों की हिफाजत करें पहले दिमाग की हिफाजत करें नियत साफ करें सोचने के अंदाज को बदलें दूसरे नंबर पर कहा गया आंखों की हिफाजत करें यह बहुत बड़ा हथियार है यह इलाज है अल्लाह अज्जा जल इस पर हमें अमल करने की आंखों के बारे में जब बात आ रही है मैं सारे लोगों को कह देता हूं इंटरनेट पर बैठकर चैटिंग करने वाले लोग फेसबुक पर बैठकर चैटिंग करने वाले लोग या व्हाट्सएप में बैठकर चैटिंग करने वाले लोग अपने आंखों के जिना आंखों के जिना का जिना करने वाले लोग सबसे मेरी गुजारिश है वही चीज असल जिना तक पहुंचाएगी वो सबब बनेगा असल जिना तक इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह अज उजल जो बड़ा गुना है अल्लाह तबारक वाली उससे अल्लाह तला बचा के रखे यह दूसरी चीज है इलाज के तौर पर तीसरी चीज इलाज के तौर पर जो हमें करनी है वो ये है जो सजाएं इस्लाम ने दी हैं सुबहान अल्लाह अगर उन सजाओं को नाफिज किया जाए यह मैं नहीं कहता हूं अगर हम कहते हो तो तुम कहते हो कि तुम कहते हो इसलिए हम नहीं कहेंगे यह चीज़ आज का हर इंसान इंसान मजबूर जिसके साथ वाक हुआ है हर कोई यह कहता है कि यह सजा देनी चाहिए क्या सजा है अगर गैर शादी शुदा है सौ कोड़े मारे जाए रहम ना हो और उसे एक साल के लिए

अपनी बीवी को भी अच्छी निगह से देखेगा वो अगर वो देख लेगा सजा को मैं मजाक में कह रहा हूं ये बात अगर वो देख लेगा सजा को तो फिर वो किसी भी औरत को गंदी निगाह से नहीं देखेगा एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए सबके हाथ में पत्थर दे दिए जाए और मस्जिद में नमाज के बाद ऐलान किया जाए आज फला आदमी को रजम किया जा रहा है सभी लोग जमा हो जाए एक एक आदमी पत्थर से मार मार के हाँ पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड लोग कहते हैं यह गैर फितरी सजा है ये गैर फित्री है अननेचुरल है तो फिर क्या ये नेचुरल है आठ साल बच्ची के साथ पांच पंडित मिलकर जिना करें ये नेचुरल है क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग कहां गया तुम्हारा कानून चैलेंज है दुनिया को रोक के दिखा दो जीना को तुम मिसाइल बना सकते हो तुम सब कुछ कर सकते हो जिना को रोक कर दिखाओ हां इसमें रुकेगा जीना इसमें रुकेगा जीना इंशाला रुके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जमाने में जब से ये अहकामा नाजिल हुए तकरीबन दस साल का रसा है पूरे जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि के तीन वाकियात ही मिलते हैं जिना के सारे वह यहां दिन में कितने मिल रहे हैं यह सजा नाफिस की गई सुबह अल्लाह आदमी ऑटोमेटिक जिना से बज गया ऑटोमेटिक जिना से बज गया करके देखें संसार आदमी एक घंटे में मरेगा दो घंटे में मरेगा दस घंटे में मरेगा पता नहीं मगर देखने वाले जितनी भी जमात देखेगी और बात जिस तक जाएगी वो जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं करेगा किसी बच्ची को हाथ लगाने से पहले सौ सो बार सोचेगा सजाएं सख्त दी जाए और दुनिया मानती है ये सजाएं सख्त दी जाए ताकि जिना जैसी हरकतें रुक जाए रुक जाए और आखिरी बात इसके साथ ये बात मैं खत्म कर देता हूं आदमी के अंदर जो अहकामात बताई गई हैं उन अहकामा पर जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं उन उनकाम पर अमल करें तो ही ये चीज रुक सकती है उसमें से एक बड़ा हुक्म है सुबह बड़ा हुक्म है और वो ये है औरतों को चाहिए वो घर में रहें जितना हो सकता है जितना हो सकता है जी हाँ जिस कदर मुमकिन हो घर में रहें मैंने जब से यह हदीस सुनी पढ़ी जो सही हो तरगीब में है मैंने बान के अंदर भी है मुझे यह हदीस पहले तो बड़े बड़े ताजुब में डाली उसके बाद मैंने कई लोगों को यह हदीस बयान भी की अहमद में भी है इबन हिब्बान में भी है सही ही हसन ही। रही ने इसको सही तरगीब में जिक्र किया है उमायद एक का नाम है अंदर, तारीख कोने, कोने में अपने लिए नमाज की जगह उन्होंने बना ली क्यों बना ली जानते हैं इसलिए कि इन्होंने एक मरतबा नबी करीम सलम से सवाल किया सवाल इनका यह था मैं पढ़ देता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे आपके नबी के पीछे मुझे नमाज पढ़ने की बड़ी रगबत है मैं चाहती हूं कि मेरी नमाजें आपके पीछे हों अल्लाह के नबी ने उनको जो जवाब दिया उस जवाब के बाद उम्म हुमैद ने यह अमल किया जवाब अल्लाह के रसूल का यह था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हो लेकिन घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए

कहा से वाकियात होंगे जरूरत की हद तक फिर पर्दे की जहां बात आती है ये हदीस हमेशा जहन में रख ले कभी कोई आदमी ये ना कहे कि मेरा दिल पाक है तो सब पाक है नहीं अल्लाह के रसूल की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेरे भाइयों से खास कर कह रहा हूं कभी गलत नहीं हो सकती जिंदगी में तजुर्बा कर लीजिए ऐसे ऐसे वाकियात मेरे पास आते हैं मेरे पास आते हैं जिसे देखने के बाद मेरा ईमान अल्लाह के रसूल की हदीसों पर और बढ़ता है और बढ़ता है कहता कि जो भी नबी ने

जो गैर महरम है जो गैर महरम है अकेले में ना बैठे अल्लाह अकबर अकेले में ना बैठे इसलिए कि हदीस में आता है, तीसरा शैतान होता है और एक और लफ्ज नबी का है वो तुसा इल्ला माजी महरम सफर भी अगर करना है औरत को महरम के साथ करे सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात है ये अल्लाह से दुआ है अल्लाह चल इस नाजुक दौर में फितनों के दौर में जिसके बारे में खुद नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लामत के करीब जिना बढ़ जाएगा जिना आम हो जाएगा लोग सड़क पर खुले आम जिना करेंगे रास्तों में खुले खुले आम जिना करेंगे और उस दौर का अच्छा आदमी वो होगा जो उनसे ये कहेगा कि भाई जरा किनारे चले जाओ अल्लाह अकबर ये दौर भी आएगा राइट्स बोलते नहीं राइट्स 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 के चक्कर में यह राइट्स उन्हें दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से दिए जाएंगे याद रखिएगा आज भी कोर्ट ये कहता है रजामंदी से जीना हराम नहीं है हमारे पास जो है जीना हर हाल में हराम है हर हाल में हराम है अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो दौर भी आएगा खुले आम सड़क पर जिना हो बीच में बीच सड़क में सड़क को जाम करके जिना होगा और उसमें अच्छा आदमी वो होगा जो ये कहेगा भी जरा किनारे जाकर करो बीच में मत करो ऐसा दौर भी आने वाला है अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह अज वजल इस फितने के दौर में अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे अल्लाह हमारे अखलाक की हिफाजत करे हमारी नस्ल की हिफाजत करे अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाज़त फरमाए अल्लाह अजा वजल सही माने में अल्लाह तबारक वाली हमें मोमिन बनाए और अल्लाह सुबहान तौला ज़िंदगी में ईमान की हालत में रखे अल्लाह खातिमा ईमान की हालत में फरमाए अल्लाह जो लोग मासूम है मजलूम हैं और जिनके साथ ये गंदी हरकतें की गई हैं मजबूर हैं गरीब है अल्लाह तबारक वाली उन्हें इंसाफ़ दिलाए अल्लाह उन्हें इंसाफ़ दिलाए अल्लाह सब को ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राज़ी हो नबी के तरीके पर हो इस इखलास भी हो उसके अंदर आमीन व नबील करी अल्लामक वरह वरक